हाय फ्रेंड्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों स्टूडेंट्स की ना एक बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर अभी सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हुक्चुअली हैव एक्चुअली क्लियर्ड आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशन इन देयर सीए इंटर एग्जाम्स बट द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर्ड नाउ दे आर डिमांडिंग सर थोड़ा सा मैं बता दो बिकॉज वी आर नाउ शिफ्टिंग इन द न्यू सिलेबस अब जो न्यू सिलेबस में हम शिफ्ट कर रहे हैं हमें क्या क्या करना पड़ेगा और हमें क्या क्या अब नहीं करने की ज़रूरत है सो so, दोस्तों एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपके सामने लेकर आया हूं दैट स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास अनफॉर्चुनेटली इन सी एंटर उन लोगों को अब ये पैटर्न को फॉलो करना है एज पर द न्यू सिलेबस गाइस देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे एक जिन्होंने सिर्फ ग्रुप वन के लिए अपेयर करा होगा अंडर ओल्ड सिलेबस अगर आपने ग्रुप वन के लिए अपेयर करा है अंडर ओल्ड सिलेबस तो थोड़ा सा आपकी मेहनत ज्यादा है बाय बिकॉज आपको जो नए टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपने पहले कवर नहीं करे हुए बाय बैक ऑफ शेयर्स िकॉज ये पहले एडवांस अकाउंट्स में था ग्रुप टू में अगर आपने सिर्फ ग्रुप वन करा है यू हैव नॉट डन दिस टॉपिक यू हैव टू कवर दिस टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन सो दोस्तों ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे राइट ओके नाउ ब्रांच कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी कवर्ड इन ग्रुप वन ठीक है सो ये टॉपिक्स भी आज हमारे सिलेबस में है याद रखिएगा इन द न्यू सिलेबस ये टॉपिक्स ऑलरेडी हैं बट यू पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक्स तो आपको सिर्फ इनके रिवीजन चाहिए सो आई रिपीट फॉर द वन लास्ट टाइम बच्चा चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग को वहां पर प्रैक्टिकल फॉर्म में बायबैक ऑफ शेयर्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन कंसोलिडेशन जो आपको कवर करने हैं और तीन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ब्रांच सी एफ एस एन पानले कॉन्सेप्ट कंपनी ए एस की बात करें तो जो ए आपने ग्रुप वन में कवर करे थे उस टाइम पे ए एस वन द इंट्रो पार्ट ए एस टू एस थ्री टेन इलेवन थर्टीन एंड सिक्सटीन ये हमारे ओल्ड सिलेबस ग्रुप वन में थे तो ये आपके ऑलरेडी कवर्ड है अब आपको कौन से ए और कवर करने हैं आपको बच्चा अब यहां पर ए एस फोर फाइव सेवन नाइन फिफ्टीन फिफ्टीन इज ए न्यू ए एस तो ये दोस्तों एक नया स्टैंडर्ड है जो आपको सारा कवर करना है सो so ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसको लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो हैं जो आप लोगों ने पहले कवर नहीं करा राइट ओके नाउ ओनली ग्रुप स्टूडेंट्स आप लोगों के ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं अगर आप देखेंगे तो यू कैन जस्ट मेक द लिस्ट ऑफ इट सिंगल एंट्री डिलीटेड हार परचेज डिलीटेड इंश्योरेंस क्लेम डिलीटेड बोनस एंड राइट इशू डिलीटेड रिडमशन ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंशियस एंड डिवेंचर्स डिलीटेड प्री कॉपरेशन प्रॉफिट डिलीटेड सो दोस्तों ये टॉपिक्स हम लोगों ने पहले करे थे ग्रुप वन में बट अब ये हमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली अंडर द ट्रांजिशन स्कीम हमें नहीं चाहिए सो so, ग्रुप वन स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ग्रुप वन करा था बच्चा तो ये आपका पैटर्न रहेगा ये आपने चीज़ें छोड़नी और करनी है अब जो ग्रुप टू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडवांस अकाउंट्स करा हुआ है थोड़ा सा वो एडवांटेजेस पोजीशन पर है वाई बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली जिन्होंने ग्रुप वन सिर्फ ओल्ड सिलेबस में करा था उन लोगों को जब न्यू सिलेबस में आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि पचास से साठ नंबर का पेपर और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और यू कैन से सिक्सटी टू सेवेंटी आपका सिलेबस और एक्स्ट्रा जाएगा But जो आप लोग ऑलरेडी बोथ ग्रुप्स में पहले अपियर कर चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू नॉट क्लियरिंग डोंट वरी अबाउट इट आपने यहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है बिकॉज आपका अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स एम अज्यूमिंग दैट ग्रुप वन में अकाउंट्स होता था ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट्स है यू हैव बोथ कवर्ड आपने दोनों कवर कर लिए हैं तो आपको जो नए टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं बच्चा एक तो बच्चा ये बिल्कुल नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज 15, 23, 25, 27, 28 बच्चा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पहले नहीं थे तो ये एक्चुअली सी ए फाइनल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो उन्होंने सी ए इंटर में वापस ट्रांसफर करे हैं बेटा और ये आपने ग्रुप टू में टॉपिक्स करे हुए थे दैट इज ईस ऑफ इंप्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान लिक्विडेशन दिस इज डिलीटेड दिस इज डिलीटेड बैंकिंग डिलीटेड एनबीएफसी डिलीटेड एंड पार्टनरशिप जो हमारा To you कि आप जब सीए, इंटर से बच्चा क्या क्या चीज करनी है सो आई कैन ओनली से दिस जो अकेले बच्चे ग्रुप टू में है जिन्होंने बोध ग्रुप के पहले अपनी सारी पढ़ाई करी हुई है अब जिन्होंने वहां पर सिर्फ अपना ट्रांसिट होके नई स्कीम में आना है फ्रेंड्स आपके लिए अप्रॉक्सिमेटली सिर्फ अराउंड टेन टू ट्वेंटी परसेंट का एक्स्ट्रा वर्क है बिकॉज यू हैव डन द मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स राइट सो बूस्ट अप योर मोराल गाइस ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू